इस बजट में गृह विभाग में जो प्रमुख बात आपसे मैं कहूँ तो नियद नेल्लानार, ये बड़ी योजना है। नियद नेल्लानार वो योजना है जिसके अंतर्गत बस्तर में आप चले जाएं कभी, मेरे पास बस्तर के छोटे छोटे बच्चों का गाना है, बस्तर के बच्चे गाना गा रहे हैं कि हम भी डॉक्टर बनेंगे, गोंडी में गा रहे हैं हम भी कलेक्टर बनेंगे, ये बस्तर के बच्चे गाना गा रहे हैं। तो बस्तर के बच्चों को भी अब आगे बढ़ना है, बस्तर के नौजवानों को आगे बढ़ना है, वहाँ की जनता, बस्तर के लोग बड़ी ही पिपासा के साथ वहाँ उनके गांव में लाइट आ जाए इसकी प्रतीक्षा में, उनके गांव में भी बोर हो जाए, हैंडपम्प हो जाए इसकी प्रतीक्षा में है। तो बस्तर के कोने कोने तक विकास की गंगा पहुँचाने के लिए ये अभियान किया जा रहा है नियद नेल्लानार, और इसके अंतर्गत जहाँ पर भी कैंप लगेगा उसके आसपास के सभी गांवों में सेचुरेशन के लिमिट तक सारी योजनाएं लगभग वहां पर की जाएंगी, एक बड़ी योजना इसमें है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि डायल 112 जो जारी है, अभी चल रहा है, वो अभी प्रदेश के 16 जिलों में है डायल 112, ये पूरे प्रदेश में लागू होने वाला है, अब ये पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको जेल के संदर्भ में तो मैंने अपनी बात हो गई है, विशेष बात एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि बस्तर के संदर्भ में बहुत सारी बातें हर बार बार सामने आती हैं कि वहाँ पर जो गया वो फंस गया है, वो बाहर नहीं आ सकता है, इस तरह की बातें आती हैं। नियम बनाकर और नियम का पूरी ताकत से पालन करके निर्धारित दिनों तक के लिए, इतने दिन अगर वो बस्तर में रह चुके हैं तो किसी नेता या किसी अधिकारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं उनको ऑफर जाएगा कि आप अब कहाँ जाना चाहते हैं, तीन ऑप्शन की प्रक्रिया हम सोच रहे हैं, तीन ऑप्शन की प्रक्रिया रख लेंगे और उन तीन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में उनको पदस्थ कर दिया जाएगा। ये प्रक्रिया कर रहे हैं, नियम बना करके बस्तर के लोगों को वापस लाना और वहाँ पर नए लोगों को ले जाना, ये नियम बना कर करेंगे। कोई वहाँ जा कर के फंस गया ये भाव किसी के मन में नहीं होना चाहिए।